यशस्वी भव। आचार्य, गुरु माता नहीं आई? नहीं। तब तो आज हमारा अंतिम दिन है, हमें गुरुकुल छोड़कर जाना होगा। क्यों मित्रों, गुरुकुल छोड़कर क्यों जाएंगे आप लोग? माँ सदा कहती है शिक्षा बहुत अनिवार्य है जीवन में। परंतु गुरुकुल की दृष्टि में हम निर्धन छात्रों के लिए उच्च शिक्षा नहीं है। गुरु माता ने आश्वासन दिया था कि वो आ जाकर इस भेद को समाप्त कर देंगी। जब मेरी माँ ने आपको वचन दिया है कि आप गुरुकुल से नहीं जाएंगी, तो विश्वास रखिए, आपको कहीं नहीं जाना है। जब गुरु माता ही नहीं है तो हमें यहाँ रहने कौन देगा? चिंतित मत हो मित्र, मेरी माँ के बाद सदा सत्य होती है और मैं अपनी माँ का आज्ञाकारी पुत्र हूँ। माँ की अनुपस्थिति में यह दायित्व मेरा है। आप तो कहीं नहीं जाएंगी गुरुकुल छोड़कर। के बाल रूप को प्रणाम करता हूं महादेव। अब कोई भी संकट इस गुरुकुल को छू भी नहीं सकेगा। असुर राजंधक की जय, असुर राजंधक की जय, असुर राजंधक की जय, असुर राजंधक की जय, असुर राजंधक की जय। मेरे अंधेरों की संतानों, मेरी कभी न हारने वाली शक्तियों, तुम्हें मेरे लिए अपना बलिदान नहीं करना, अपितु शत्रु की निर्शंसता के साथ हत्या करनी है, ताकि तुम सब शासन कर सको। असुर राजंधक की जय, असुर राजंधक की जय, असुर राजंधक की जय। असुर गुरु शुक्राचार्य की अनुपस्थिति में क्या ये युद्ध करना उचित होगा असुरराज? इस बार त्रिलोक पर विजय असुर गुरु शुक्राचार्य के बिना ही प्राप्त करेंगे और उनकी तपस्या से लौटने के उपरांत विजित त्रिलोक उन्हें गुरुदक्षिणा में देंगे। परंतु का स्थान नहीं बचा वृषभासुर हमारे साथ छल करने के लिए एवं देवताओं की सहायता करने के लिए। वो त्रिदेव नहीं है, वे अपनी स्मृतियां भूल चुके हैं और उधर कैलाश पर पार्वती अकेली शक्तिहीन होकर बैठी है और पार्वती को अपने वश में करना अंधक के लिए ना तो कठिन है और ना ही असंभव। जब शिव की शक्ति पार्वती अंधक के वश में होगी तो पूरा संसार अंधक की भक्ति में लीन होगा और हम असुरों को देवताओं की भांति पूरा संसार पूजेगा। तो पहले आक्रमण करेंगे कैलाश पर और फिर देवासुर संग्राम तुमुलनाथ होगा। प्रणाम माता, हम सब आपके समक्ष एक निवेदन लेकर आए हैं। माता, हमारे प्रभु को गए हुए बहुत समय हो गया है, हमें उन्हें वापस लाने का प्रयत्न करना चाहिए। माता प्रयत्न, सत्य तो ये है ऋषि भृंगी कि महादेव वापस आना ही नहीं चाहते। आप क्रोधित ना हो माते,
कदाचित आपको स्मरण नहीं, आदि शक्ति होते हुए भी आपकी चेतना और आपकी शक्ति एक बार इसी प्रकार चली गई थी। स्मरण है नंदी, और ये भी स्मरण है कि मेरी एक भूल पर महादेव ने क्रोधित होकर मुझे शाप दिया था। वेदों के सार सुनते सुनते जब मुझे निद्रा आ गई थी और महादेव ने क्रोधित होकर मुझे अयोग्य कहा था, अपनी अयोग्यता को दूर करने हेतु एक साधारण जीवन जीने का श्राप दिया था मुझे। और मुझे भील पुत्री बनकर धरती पर जाना पड़ा था। हाँ माता, और फिर मेरे प्रभु ने आपको मनाने के लिए, आपकी स्मृति वापस लाने के लिए स्वयं भील रूप रचा था। समझ गया प्रभु, अब मुझे मछली का रूप धारण कर माता को भयभीत करने का प्रयास करना होगा। मछली से मेरी पुत्री की रक्षा करेगा, मैं वचन देता हूं उसका विवाह अपनी पुत्री से कर दूंगा। अरे कोई तो आगे बढ़ो, हटिए, मार दीजिए। धन्यवाद साहसी युवक, तुमने मेरी पुत्री की प्राणों की रक्षा की। पुत्री, तुम ठीक तो हो ना पुत्री? यही वो वीर साहसी पुरुष है जिसने तुम्हारे प्राणों की रक्षा की। हे वीर साहसी युवक, तुमने मेरी पुत्री के जीवन की रक्षा कर इस वृद्ध के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। मैं अपने वचन के अनुसार तुम्हारा विवाह अपनी पुत्री से अवश्य करूंगा। कैलाश निष्प्राण है गिरजा, अब चलो। कहीं पुनः आप मुझ पर क्रोधित हो गए
और मेरा आत्मसम्मान आहत हो गया तो? जहाँ प्रेम होता है वहीं तो मन मुटाव होते हैं, विचारों की असमानता होती है। और जानते हो, प्रेम में प्राणी अपने प्रियों को सर्व गुण संपन्न एवं सदा ही त्रुटिहीन देखना चाहता है, इसीलिए दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव के उपरांत भूल और क्षमा दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। यदि कालांतर में ऐसी घटना वापस हुई तो? यदि हुई भी तो हम जिस अटूट प्रेम के डोर से बंधे हैं, हमारे पृथक होने के उपरांत भी ये प्रेम की डोर नहीं टूटेगी। महादेव, आप ही ने कहा था कि क्षमा और भूल एक दूसरे के पूरक हैं, तो आप मुझे क्षमा करना कैसे भूल गए? आपने मुझे एक बार भी स्मरण नहीं किया। आप मुझसे ऐसे रुष्ट हो जाएंगे, ये बात तो मेरी कल्पना से भी परे है महादेव। प्रभु आपसे रुष्ट नहीं है माता, उनकी स्मृति लुप्त हुई है। और सच तो ये है कि प्रभु को कुछ भी स्मरण नहीं है माता। जो हो रहा है वो आपकी इच्छा से हो रहा है। शिव स्वयंभू है, आपकी विराटता को देखा है मैंने। आपकी स्मृति का लोप हो जाना मुझे स्वीकार्य नहीं है महादेव। जब तक आप स्वयं आकर मुझे नहीं समझा देते। आज कक्षा के प्रथम दिवस पर मैं आप सबसे सर्वप्रथम कुछ सहज प्रश्न पूछूंगा। ये क्या आचार्य विद्याधर? क्या हुआ उपकुलपति जी? गुरुकुल के नियमों से अनभिज्ञ हैं क्या आप? नहीं। तो सभी छात्र एक साथ क्यों बैठे हैं? शिक्षा अर्जन के लिए। परंतु नई शिक्षा नीति के अनुसार ये अनुचित है, छात्रों का वर्गीकरण हो चुका है। निर्धन छात्रों को संभ्रांत और संपन्न छात्रों से अलग बैठने का नियम पारित हो चुका है। और मैंने तो कक्षा में आने से पूर्व आपको इस नियम का स्मरण भी दिलाया था, फिर भी आपने वही किया जो वर्षों से होता आ रहा है। चलो छात्रों, नदी के दो तटों की भांति विभक्त हो जाओ। शीघ्र भोजनावकाश हो गया। और हाँ, जो छात्र अब तक गुरुकुल के कार्यालय में शुल्क नहीं दे पाए हैं, वे भोजन के उपरांत गुरुकुल के परिसर में दिखने नहीं चाहिए। नियम नियम होता है और नियम का पालन धर्म। इधर तुझे मैं अपने जाल में उलझा कर रखूंगा और उधर असुर राज अंधक के जाल में पार्वती। असुर राज अंधक की, 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 असुर राज अंधक की। पार्वती, बस कुछ पल और, आ रहा है अंधकार का स्वामी अंधक तुम्हारे पास, तुम्हारे कैलाश का अधिग्रहण करने। असुर राज अंधक की, असुर राज अंधक की,
गए हैं हम अपने लक्ष्य पर। वो देखो, आगे बढ़ो। चिताओं की अग्नि इतनी भयंकर कैसे हो गई? सैनिकों आगे बढ़ो। सेनापति उष्मा सुर, इन आग की लपटों के कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम पीछे हटकर चिताओं की अग्नि शांत होने तक प्रतीक्षा करते हैं सेनापति जी। असंभव, खराब भी नहीं। असुरायन के आगे बड़े भाव कभी पीछे नहीं हटते। अब हम अपने लक्ष्य पर पहुंच कर ही रुकेंगे। आगे बढ़ो। अवश्य ये किसी की चाल है। कौन बनना चाहता है अंधक के कोप का भाजन? कौन? सारी काया को लेकर कैलाश जाना चाहते हो? कौन है तू? मैं शमशान का रक्षक और तुम्हारा मार्गदर्शक। मेरा मार्ग मैं स्वयं निर्धारित करता हूँ। मेरे बिना कैलाश जाओगे कैसे और अपने लक्ष्य तक पहुँचोगे कैसे? जैसे यहाँ तक आया था वैसे अब पावन कैलाश पर सशरीर नहीं जा सकते। और सशरीर जाना ही है तो काम, क्रोध, मोह, अहंकार सबका त्याग करना होगा। अथवा वहां जाने के लिए अपनी काया का भी परित्याग करना होगा। इन चिताओं में अपनी ये काया अग्नि दाह कर दो। कदापि नहीं, कदापि नहीं। मैं पार्वती को सशरीर प्राप्त करूंगा। असंभव, असंभव को संभव मैं बनाऊंगा। मैं अपनी असुरी शक्तियों के साथ पार्वती को यहां अपने पास बुलाऊंगा और कहूंगा, पार्वती तुम्हें सुखद मिलन के लिए यहां मेरे पास आना होगा। रुको, महादेव और माता पार्वती की सौगंध, तू यहां से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। ये कैसा स्वप्न था? क्या होने वाला है? महादेव की अनुपस्थिति में ये कैसे विडंबना है? माता, क्या हुआ नंदी? आपके अन्नपूर्णा स्वरूप से संपूर्ण कैलाश पर भोजन की व्यवस्था होती है और लोग अपने भाग के लिए वहां स्वयं आते हैं, परंतु आज वो महाशमशान का रक्षक वहां नहीं आया। माता शांत हो जाओ नंदी। मेरे महादेव की अनुपस्थिति में दायित्व मेरा है, तुम आश्वस्त रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा।